शेयर बाजार में इन दिनों सुजलॉन एनर्जी का जलवा है। सुजलॉन का शेयर निवेशकों की रडार पर है। इसमें निवेशक जमकर पैसा लगा रहे हैं। इस शेयर में निवेशकों की खूब कमाई भी हो रही है। एक महीने में इस शेयर ने निवेशकों को 9% का रिटर्न दिया है। वहीं 6 महीने में ये स्टॉक 255% तक चढ़ चुका है। कभी शेयर की गिनती पैनी स्टॉक्स के रूप में होती थी। शेयर में पैसा लगाने से निवेशक कतराते थे। अब ये शेयर निवेशकों की रडार पर है। आज इस शेयर को लेकर दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पहला, सन फार्मा के प्रमोटर दिलीप सांघवी एंड एसोसिएट और दूसरा क्रेडिट एजेंसी क्रिशिल। अब अगर आपके पास सुजलॉन का शेयर है या इस शेयर में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दरअसल सन फार्मा के प्रमोटर दिलीप सांघवी एंड एसोसिएट कंपनियों ने फरवरी 2020 में साइन किए गए संबंधित शेयर होल्डर एग्रीमेंट को खत्म कर दिया है। इस एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद निवेशकों के नॉमिनी ग्रुप डायरेक्टर हितेन ने भी बोर्ड से 26 सितंबर को इस्तीफा दे दिया। बता दें, जून तिमाही तक सुजलॉन की शेयर होल्डिंग आंकड़ों पर नजर डालें तो दिलीप सांघवी और उनकी एसोसिएट कंपनियों के पास सुजलॉन एनर्जी में 7.4% हिस्सेदारी थी। यानी आसान भाषा में कहें तो सुजलॉन में इनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी थी। इस खबर के आने के बाद शेयर 3% तक टूट गया। हालांकि सुजलॉन के तरफ से बयान आने के बाद शेयर निचले स्तर से रिकवर भी हुए। अब इस पूरे मामले पर सुजलॉन का क्या कहना है ये भी जान लीजिए। सुजलॉन ने कहा कि एग्रीमेंट खत्म होने की वजह से कंपनी के ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिलीप सांघवी ने भी इस बारे में अलग से बयान जारी किया। उनकी ओर से जारी बयान में कहा गया कि औपचारिक शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट भले ही रद्द हो गया हो लेकिन वो और उनसे जुड़े फर्म्स कंपनी में इन्वेस्टेड रहेंगे। अब आइए क्रिसिल वाले मुद्दे पर। आज क्रिसिल ने सुजलॉन को लेकर एक बड़ी गुड न्यूज दी। क्रिसिल ने सुजलॉन के शेयर को BBB+ से अपग्रेड करके BBB+ कर दिया। क्रिसिल को कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी का ऑपरेशंस मजबूत लग रहा है। क्रिसिल छोटी से लंबी अवधि में शेयर पर पॉजिटिव भी है। बता दें, सुजलॉन ग्रुप दुनिया की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर कंपनियों में से एक है। 26 साल से ये कंपनी इस कारोबार में है। इसके 17 देशों में 20 गीगावाट विंड कैपेसिटी के प्लांट हैं। भारत में कंपनी के पास 13.9 गीगावाट के विंड एनर्जी एसेट्स हैं। भारत के बाहर ग्रुप की 5.9 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 33% शेयर सुजलॉन के पास है। फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। यही वजह है कि रिन्यूएबल एनर्जी शेयरों में तेजी देखी जा रही है। अब सवाल इस बात का है कि सुजलॉन में तेजी की बड़ी वजह क्या है। साल 2030 तक भारत सरकार का 8 गीगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य है। इसको पूरा करने में सुजलॉन एनर्जी का बड़ा हाथ हो सकता है। सरकार से सुजलॉन को विंड एनर्जी के लिए बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। हालांकि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुजलॉन को अपनी कैपेसिटी को और बढ़ानी होगी। इसी उम्मीद में सुजलॉन में तेजी देखी नहीं को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।